है क्या? खान साहब, एडीसी तो एक सरकार है, उसका क्या डिमांड है? आज तक नहीं सुना मैंने। एडीसी तो सरकार है ना, एक छोटा मोटा सरकार है, उसका डिमांड क्या है? सरकार का डिमांड तो खान साहब नहीं हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है। आज तक सरकार ने, एडीसी का सरकार ने दिल्ली में जाके एक डिमांड नहीं रखा, मैं जाके रखता हूं, क्योंकि कुछ चीज पॉलिटिक्स से ऊपर है। कुछ चीज क्या है? पॉलिटिक्स से ऊपर है। किचु जिनिस आछे जेटा पॉलिटिक्स से ऊपर, आ सेटा हलो आमादेर जाति। खाली स्लोगन दिले हय ना, पहिला जाति उलो पार्टी, एटा स्लोगन दिले हय ना, एटा मन थेके आसते हय ना, इट हैज टू कम फ्रॉम द हार्ट। आज अब्दि सुनलम ना, एडीसी गिये दिल्लीते दाबी करलो सरकारेर काछे, जंतर मंतरे तो प्रत्येक दिन ही एकटा कि बोले कोनो कोनो स्टेट थेके प्रत्येक दिन ही आए कोनो आंदोलन करे, हर रोज आंदोलन होता है जंतर मंतर में। दिल्ली में जाके जंतर मंतर नहीं जाके होम मिनिस्टर साहब बात करता, बोलता सर हमको तो ये चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर साहब बात करता, सर मैडम हमको तो रुपया चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? बात तो ये है, क्यों हमें करना पड़ता है? क्यों जिष्णु देवर्मा करना पड़ता है? तो आप लोग ये गांव दिवस हमने इसलिए मनाया आप लोग के लिए कि गांव का चिंता करिए, अपना गांव अपना सम्मान, अपना हाँ अपना सम्मान बोलते हैं आप, मैं तो बोलता हूं अपना गांव अपना सम्मान पहले। जहां गार्जियन लोग इधर बैठा है उन लोग को सम्मान देना है। हमारा जो तिपरासा समाज है, हम क्या करते हैं? गार्जियन लोग को सम्मान देते हैं, वो लोग ही हमको कल्चर सिखाते हैं, जनजाति कल्चर क्या है ये लोग सिखाएंगे हम लोग को। तो आप लोग कहाँ से सीखेंगे? वो तो किताब में नहीं है, इंटरनेट में नहीं है, कहाँ से सीखेंगे आप लोग? इन लोग से सीखना पड़ेगा। क्या था हम लोग? इंग्लिश में बात है, हु डजंट हैव अ पास्ट डजंट हैव अ फ्यूचर। जिसका पास नहीं है उसका फ्यूचर भी नहीं है, जिसका पास नहीं होगा उसका फ्यूचर भी नहीं होगा। तो हमारा पास तो आंदोलन करते करते चला गया। पचास साल सात साल आंदोलन किया, ये रास्ता ब्लॉक, ये दिल्ली में धरना जंतर मंतर, ये जंतर मंतर जाना है पहले बार नहीं है, तो टीओजीएस का टाइम से जा रहा है जंतर मंतर, कुछ बदला नहीं। अभी बदलने का टाइम है, अभी बदलने का टाइम है। अभी हम बोल रहे हैं लास्ट फाइट। हमारा जाति का एक दुर्भाग्य है, जब कांग्रेस सरकार रहता है हम सीपीएम के साथ जाता है, जब सीपीएम आता है कांग्रेस के साथ जाता है, बीजेपी आता है तो मोथा के साथ जाता है। ये हमारा जाति का दुर्भाग्य है। जब इधर क्या केंद्र में था कांग्रेस, हम लोग सीपीएम के पीछे भागा, 18-19 दिया है लोग को, क्या कर पाता है सीपीएम? दो एमपी नहीं है उसका, अभी कौन है? अभी बीजेपी सेंटर में है, हमारा दिमाग सब सेंटर से आएगा, हम भाग रहे हैं दूसरे के पास। ये आप लोग को सिखाना है, नया बच्चे लोग को, जो वास्तव में है, जो रियलिटी है, वो बच्चे लोग को सिखाना चाहिए। हमको अच्छा लग सकते हैं जो डिमांड है लोग का, किंतु होगा क्या? होगा क्या? और हर बार मैं देख रहा हूं सीपीएम को 25 साल हमने रखा, जनजाति वाले ने रखा, तिपरासा वाले ने रखा, 20-20 एमएलए, 18 एमएलए, 19 एमएलए, सीपीएम का हमने पाला है और हमारा सत्यानाश सीपीएम ने कर दिया है। हमारा सर्वनाश सत्यानाश सीपीएम ने किया है। अभी बीजेपी सरकार है केंद्र में, हम भाग रहे दूसरी तरफ। ऐसा होने से उन्नति होगा नहीं, भविष्य बनेगा नहीं। पहले अपना भविष्य बनाना है, तभी हम लड़ सकते हैं परिस्थिति से।
परिस्थिति के साथ लड़ने के लिए अपना भविष्य बनाना है। हम लोग को और डॉक्टर बनाना है, और इंजीनियर बनाना है, और TCS बनाना है, और IAS बनाना है, नहीं तो नहीं होगा। तो इस ग्राम दिवस में आप लोग बैठ के सोचिए, बात करिए युवक लोग से, सिखाइए उनको ट्राइबल कल्चर, सिखाइए इसके साथ, सिखाइए भविष्य कैसा बनाना है। तो आप लोग सबको धन्यवाद।